मेरा जो घर है ना वो ना तो प्रॉपर शहर के अंदर है और ना ही प्रॉपर किसी गांव में। एग्जांपल के तौर पर अगर मेरी फैमिली किसी गांव में रहने वाली होती तो मेरे पास भी 4-6 भैंसे और 1-2 एकड़ जमीन होती, तो एक तरह से हम लोग भी गरीब कहलाते हुए भी एक तरह से अमीर होते। बट इन रियलिटी अगर मेरी फैमिली वहीं शहर में रहने वाली होती बिल्कुल, या सुहागनगर या गणेश नगर की जैसे, तो मैं भी सेंट जॉन्स लिटर इंटरनेशनल या फिर किड्स कॉर्नर में पढ़ा होता। बट मेरा जो स्कूल था वो मेरे घर से मात्र 6 कदम की दूरी पर था, मेरे घर के बाहर गली, गली के बाहर स्कूल, और स्कूल का इतने पास होने का अपना ही फ़ायदा और नुकसान है। फ़ायदा ये कि जब मैं छोटा था तो मेरी मम्मी मुझे रेडी हो करके अपने बड़े भाई बहन के साथ ही स्कूल पढ़ने भेज दिया करती थी और फ्री में बिना एडमिशन के स्कूल में पढ़ाया करता था। वहीं पर लॉसेस ये हैं कि जब मैं बड़ा हुआ और स्कूल जाने लगा तो मेरी टीचर को किसी भी काम से मेरे स्कूल में आना होता था, वो स्कूल बाद में जाती थी और मेरे घर पे पहले आती थी मेरी कंप्लेंट करने के लिए। और कंप्लेंट की बात रही, कभी कभी मेरी कोई गलती भी नहीं होती थी, कंप्लेंट करने का तो बहाना था, बस सिर्फ चाय नाश्ता करने के लिए आती थी कुछ नहीं है बस। और एक वो वक्त था जब मैं छोटा था ना और रास्ते में अपने टीचर को कहीं पर देख लूँ तो देख कर छुप जाया करता था या अपना रूट बदल दिया करता था। वहीं आप आजकल के बच्चे देख लो 11-12 बजे तक अपने टीचर के साथ चैटिंग कर रहे हैं या फिर टीचर डे पर रोज गिफ्ट कर रहे हैं और साथ में उनके साथ डांस भी कर रहे हैं। जब मैं छोटा था तो मैं स्कूल में जाता था, इंटरवल में घर आता था, टिफ़िन लगाता था और वापस स्कूल में जाकर लंच करता था क्योंकि अपना भी एक शौक था, क्योंकि मैं भी देख रहा था दूर दूर से बच्चे आ रहे हैं अपना टिफिन लेके आ रहे हैं, तो वही मेरा सपना था कि मैं भी टिफिन लेके कहीं उसको दूर स्कूल में पढ़ने के लिए जाऊँ। आप लोग कहीं भंडारा खाने गए हो? मैं अपने स्कूल के बारे में बता दूँगा। भंडारा खाने गए हो तो आपने आलू की बोरी ही देखी होगी, कट्टे वाली, वो रेशमदार वाली, पीली सी होती है जिसमें रुएं निकलते हैं, ठीक है? आप लोग यकीन नहीं करोगे, मैं 8th क्लास तक उस टाइट, आप जब भंडारे में गए तो वो टाइट वाली पट्टी होती है, वो उसी मटेरियल की होती है बोरी वाली। आप लोग यकीन नहीं करोगे, मैं जब 8th क्लास में था तब भी मैं उसी पट्टी पे बैठ के पढ़ता था, ठीक है? और आप आजकल के बच्चे देख रहे हो 4th या 5th क्लास पास करते हैं, उनके पेरेंट्स उन्हें आईपैड, मैकबुक या फिर टैबलेट दे देते हैं पढ़ने के लिए, पेरेंट्स उन्हें टैबलेट या मैकबुक दिलाते थे पढ़ने के लिए, उस पर भी बोले पढ़ते नहीं, या तो पबजी फ्री फायर खेलने होते हैं या फिर हेलो गाइस वेलकम टू माय चैनल, प्लीज गाइस सकरपारा माय चैनल गाइस, व्लॉगिंग कर रहे होते हैं और कुछ नहीं भाई, बस व्लॉगिंग कर रहे थे। जब मैं 4th या 5th क्लास में था तो हमें ये दिलासा दिया जाता था कि बेटा इस साल आप ये क्लास पास कर लो, बाकी का अगले साल से आपके लिए बेंचेस का इंतजाम कर दिया जाएगा। और हम भी खुश होते थे कि यार अगले साल से बेंचेस पे बैठ के पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे स्कूल में उस टाइम पे बेंचेस नहीं थी, बस आसपास के स्कूलों में ही थी बस इसके लिए। जैसे तैसे मैंने 8th क्लास पास की, उसके बाद मैं गया उस जगह जैसे बाहर वाले स्कूल और अंदर वाले कॉलेज बुलाते हैं 9th से 12th की पढ़ाई के लिए। हाँ भाई, स्कूल वाले जो हैं वो उसको कॉलेज कहते हैं और बाहर वाले उसको स्कूल कहते हैं। अब मुझे ये नहीं समझ में आया यार 9th को कौन कॉलेज कहता है यार, और हम भी यार बड़े घमंड में जाते थे स्कूल, कोई हम तो पूछता बेटा स्कूल जा रहे हैं, नहीं कॉलेज जा रहे हैं, किस बात के कॉलेज भाई, किस बात का घमंड, हम लोगों की मुझके 2 बाल भी नहीं आए थे उस वक्त। खैर जैसे तैसे इसका 8th क्लास हमने पास की, 8th क्लास पास की जैसे तैसे हमने, उसके बाद मैं 11th में आया तो बस मुझे 11th में आया तो मुझे एक चीज़ का एहसास हुआ कि मेरी लाइफ में दो चीज़ का होना बहुत ज़रूरी है, पहला फीमेल फ्रेंड्स, वो इसलिए क्योंकि मेरा जो कॉलेज था वो बॉयज़ कॉलेज था, दूसरा ये कि मुझे किसी बड़े शहर में रहना था। लाइक आप खुद ही दिल्ली मुंबई वाले लड़कों लड़कियों को देख लो, साथ में कॉलेज जा रहे हैं, डांस कर रहे हैं, क्लब में जा रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, नाइट आउट कर रहे हैं, सब कुछ। और देखो सबसे बड़ी बात, उनके पेरेंट्स उन्हें ऐसा करने की परमिशन दे रहे हैं, तो मेरा ये सपना था कि मैं भी ऐसा जाऊँ बस जैसे, तो उस पर भी अभी कहा मूव मेरी फीमेल फ्रेंड्स तो बन गई, बस अभी बड़े शहर में नहीं पहुँच पाया माशाल्लाह कि बड़े शहर में ही पहुँच जाऊँ। थैंक यू सो मच, बस इतना तो कहना चाहूँगा।